नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइन भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। वाराणसी में चाचा चौधरी और साबू सिखा रहे हैं स्वच्छता का सबक। गंगा किनारे की गंदगी को बाय बाय करने का पाठ पढ़ा रहे हैं चाचा चौधरी। नमामि गंगे ने विद्यार्थियों में वितरित की स्वच्छता का संदेश। दे रही चाचा चौधरी की कॉमिक्स बच्चों के जेहन में आसानी से जगह बनाने वाले कॉमिक्स के किरदार चाचा चौधरी और साबू अब नई पीढ़ी को स्वच्छता का सबक सिखा रहे हैं। गंगा किनारे की गंदगी को बाय बाय करने का पाठ पढ़ा रही बच्चों के बेहद प्रिय पात्र चाचा चौधरी कॉमिक्स को बुधवार को नमामि गंगे ने पूर्व माध्यमिक कंपोजिट स्कूल कबीर चौरा के विद्यार्थियों में वितरित किया। छोटे बच्चों को स्वच्छता के प्रति ज्यादा जागरूक करने के उद्देश्य से नमामि गंगे राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा तैयार कॉमिक्स को बांटा गया। नमामि गंगे के इस अनोखे प्रयोग को बच्चों ने भी बहुत सराहा है। अपनी पसंदीदा किरदार द्वारा दी गई स्वच्छता की सीख लेकर छोटे बच्चे स्वच्छता के प्रति ज्यादा जागरूक होंगे। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने बताया कि बच्चों को इस अभियान में शामिल करने का फायदा होगा, क्योंकि अगर बच्चे इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे तो इसका पूरे समाज पर भी असर पड़ेगा। बच्चों इन कॉमिक्सों को पढ़कर घर वालों और आस पड़ोस में स्वच्छता के बारे में बताएंगे। कहा कि नदियों का संरक्षण और जल स्रोतों की सुरक्षा का भाव हमेशा से भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है। आज की स्थिति में नदी संरक्षण से अधिक श्रेयस्कर सामाजिक कार्य कुछ और नहीं है। आयोजन में प्रमुख रूप से नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, प्रधानाचार्य मधु सिंह, महानगर सह संयोजक सारिका गुप्ता, महानगर प्रभारी पुष्पलता वर्मा, प्रीति रवि जायसवाल, विजेता सचदेवा, सरस्वती मिश्रा, पंकज अग्रहरी, दीक्षा सिंह, श्वेता सिंह सहित छात्र छात्राएं एवं शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित रहे। न्यूज नाइन भारत के लिए तौफीक खान की रिपोर्ट। हर हर गंगे, नमामि गंगे, हम नहीं रुकेंगे, हम स्वच्छ करेंगे। हर हर गंगे, नमामि गंगे, नहीं रुकेंगे, स्वच्छ करेंगे। हर हर गंगे, नमामि गंगे, चाचा चौधरी और साबू मिलकर आपसे गंगा की बात करने वाले हैं। आपके हाथों में जो ये कॉमिक्स आप देख रहे हैं, जिसमें चाचा चौधरी और साबू अपने मित्रों के साथ मिलकर आपको गंगा किनारे की स्वच्छता, निर्मलता और अविरलता के बारे में बता रहे हैं, गंगा में रहने वाले जीव जंतुओं के बारे में बता रहे हैं, गंगा किनारे की स्वच्छता के साथ ही गंगा किनारे स्वच्छता के लाभ को बता रहे हैं, और साथ ही जो गंगे डॉल्फिन है, जो डॉल्फिन गंगा में पाई जाती हैं, और डॉल्फिन इस बात का सूचक है कि हमारी नदियां साफ हो गई हैं। आप देखेंगे जहां भी डॉल्फिन होगी वो पूरा परिसर स्वच्छ रहता है। यह सूचक है कि नदियों का जो पारिस्थितिक तंत्र है वो जीव जंतुओं से भरा हुआ है। इसका मतलब है कि हमारी नदियां अब स्वच्छ हो रही हैं, और निश्चित रूप से इन पत्रिकाओं के माध्यम से राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन नमामि गंगे द्वारा यह एक अविस्मरणीय, अनूठा, सराहनीय कार्य किया जा रहा है। हम आपके माध्यम से, इस पत्रिका के माध्यम से अन्य लोगों को भी स्वच्छता के बारे में बताएंगे, यही उद्देश्य इस पत्रिका का है। आइए चाचा चौधरी जी
के द्वारा की जा रही गंगा की बात को हम सब आत्मसात करें और स्वच्छता अपनाएं, गंदगी को दूर भगाएं। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।